The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शिफाली द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो है हम बहुत सारी कॉल्स लेंगे, आज जो है हम लाइव बात करेंगे आपसे। आज उनके लिए सुनहरी मौका है जो व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के जरिए प्रोफेसर गुरुदेव अरोड़ा साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज गोल्डन चांस है। तो आज जो है प्रोफेसर साहब आपसे सीधी बात करेंगे, आप प्रोफेसर साहब के साथ जो है लाइव बात कर सकते हैं। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपको। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप जो है आज फेसबुक लाइव हो रहे हैं, फेसबुक के जरिए आप बात करेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हाँ, हमारा परिवार फेसबुक के ऊपर जुड़े हुए हैं, कुछ मेरा परिवार मेरा पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, कुछ मेरा परिवार यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ा हुआ है, और जो मुझसे तरस रहे हैं, मेरे पास आ नहीं सकते, कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो मेरी फीस अदा नहीं कर सकते, वो आज मेरे से बात करेंगे। जो जो भी उनकी इंक्वायरी होगी, जो जो प्रॉब्लम होगी, वो मैं दूर करूँगा। फ़ोन बुक जो फ़ोन कॉल करेंगे उनका मैं जवाब दूंगा साइंटिफिक रीजन से। प्रोफेसर बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, तो आज हम कॉल्स लेंगे। लोगों की जो है रिक्वायरमेंट थी कि आपके साथ बात करना लाइव के ऊपर, तो आज बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हैं, तो हम धीरे धीरे एक एक करके फ़ोन कॉल्स उठाएंगे, उनके जो प्रॉब्लम्स का हम सलूशन करेंगे आज। प्रोफेसर साहब बीच में कॉल आ रही हैं, हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ, हम लोग थोड़ा बेटी की शादी के लिए पूछना था, दीपाली झा। ठीक है जी, बेटी की शादी के लिए है जी प्रोफेसर साहब, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही, दीपाली है उनका नाम, तो बेटी की शादी नहीं है। बेटा जी मुझे ये बताइए बेटी की डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है? 17 अगस्त 1992। 17 अगस्त का जन्म है 1992 का। बेटी आपकी 27 साल की हो चुकी है। बहुत आसान उपाय दे रहा हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा आसान है, 27वां साल लग चुका है। ये सबसे पहला उपाय, हल्दी की गांठ, 8 हल्दी की गांठ आपने लेनी है, और धार्मिक शिवलिंग के ऊपर, धार्मिक किसी भी धार्मिक स्थान पे या शिवलिंग के ऊपर आपने रख के आनी है, और हल्दी छोटी थोड़ी सी हल्दी लेनी है, चुटकी हल्दी लेनी है, पानी में घोल लेना है, उसको बदन के ऊपर लगाना है। ऐसे कम से कम 8 दफ़ा आप कीजिए, ताकि जो बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी हो जाएगी तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर। वही थोड़ी सी शादी में, यानी कोई रिश्ते आते हैं और यानी बात ही नहीं बन पाती। रिश्ते आते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन जो है बात नहीं आगे चलती। रिश्ते आते हैं और बात नहीं चलती, जब भी रिश्ते आते हैं तो बात नहीं चलती। तो बहुत आसान उपाय होता है, कभी भी जब हम कहते हैं रिश्ते आते हैं तो बात नहीं होती, उसके लिए मंगल को ठीक करना चाहिए। मंगल जो अपना होता है वो होता है रिश्तेदारों का, मंगल होता है रिश्ते नाते का, मंगल होता है मंगल कार्य का। 800 ग्राम आपने गुड़ लेना है, किसी भी धार्मिक स्थान पे आप रख सकते हो दो दफ़ा, नहीं तो 400 ग्राम दो दफ़ा, यानी कि 400 ग्राम दो दफ़ा, 400 ग्राम और दो दफ़ा, यानी कि 800 ग्राम दो दफ़ा करोगे, अगर आप 400 ग्राम गुड़ करोगे तो 4 दफ़ा करना पड़ेगा। ये मंगलवार को करना है, और 8:15 से पहले पहले मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से रखें, ये जो होता है गुड़ विष्णु भगवान के मंदिर में दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अच्छा जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हाँ जी प्रोफेसर साहब, जब भी आप फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर आप टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, तो अपनी अंदर की जो सारी बातें जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए, जो भी आप एस्ट्रोलॉजर्स को भी एस्ट्रोलॉजी सिखा देते हो यहाँ पे टीवी के ऊपर, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग आपकी इस एस्ट्रोलॉजी का नजायज़ कदम उठाएंगे? शिफाली जी एक बात और बता दूँ मैं आपको, आपको शायद पता नहीं होगा, भगवान ज्ञान उस बंदे को उतना ही देता है जितना वो इंसान पचा सके जी। कभी भी देखिए, कई दफ़ा देखा होगा जब हम पहले पहले ज्योतिष सीखने लगते हैं तो हमको कहते हैं ये भी चाहिए, ये भी मैंने सीखना, मैंने ये भी सीखना, मैंने ये भी सीखना, लेकिन पूरा हम सीख नहीं पाते। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें भगवान की तरफ से अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाता है, भगवान देना शुरू करता है, हम पढ़ते हैं ये तो हमें पढ़ता है, कोई भी किताब मेरे सामने आती मैं कहता हूँ ये हमें पता है, कोई भी किताब अगर मेरे सामने आती मैं कहता हूँ ये भी मुझे पता है। जब ऐसी बातें चलती हैं तो भगवान कहता तू अपना पात्र बढ़ा, मैं आपको देता हूँ। देखिए अगर मैं चाहे जितनी मर्जी पूरी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे बता दूँ,
बहुत ध्यान से सुनिए, चाहे वो बंदा बार बार वो एस्ट्रोलॉजी अगर वो नजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे मेरी एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने बता दिया हल्दी की गांठ लेनी है और चलते पानी में जल प्रवाह करनी या मंदिर में देनी है, इससे शादी हो जाएगी, मैं भी उपाय लिख लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान क्षमता ही उतनी देता है जो इंसान उस क्षमता के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपका पात्र, मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए और भगवान कहता है अबे भाई तेरे को गाड़ी की जरूरत है लेकिन मैं देता हूँ छोटी गाड़ी देता हूँ जो 2-4 लाख की आ जाएगी, अगर आप कहते हो नहीं नहीं मुझे गाड़ी चाहिए तकरीबन बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए जो 2-1.5 करोड़ रुपये की आती है, मान लीजिए अगर आपको बड़ी गाड़ी मिल जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, मान लीजिए अगर 2 करोड़ की गाड़ी आपको मिल जाए फिर क्या करोगे, क्या उसे संभाल पाओगे? कभी भी नहीं। अगर उसका टायर पंचर हो जाए, एक टायर की कीमत है कम से कम 1.25 लाख रुपया, क्या उसका टायर नया डाल सकोगे? भगवान क्षमता के मुताबिक देता है। जो भी हम चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़, मान लीजिए उसका डीजल भरवाने के आपके पास पैसा ना हो और आप बड़ी गाड़ी ले लो, ऐसा कभी नहीं होता। जब उसकी मेंटेनेंस संभालने के बराबर होती है तब ही आपको वो चीज़ मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। कभी भी देखो दुनिया में जितने भी बंदे हैं, जो उसके पास चीज़ है वो क्षमता के मुताबिक मिलती है, ऐसे कभी नहीं मिलती। प्रोफेसर साहब, आप में ऐसी क्या बात है कि लोग जो है आपका प्रोग्राम देखे बिना सुबह की चाय तक नहीं पीते? शिफाली जी, ये बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जो भी कोई बात करता हूं दिल से करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो मुझे देता है वो दिल से देता है, भगवान जो मुझे चाहता है वो दिल से चाहता है, वो भी कहता है कि इस इंसान के जरिए मैं इनको ठीक कर दूँ, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो इंसान मेरे पास आया है उसको ठीक करना है, और पता नहीं कैसे मेरे दिल से अंदर से वो बातें आती रहती हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। हां जी सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना था। हां जी सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/3/1992। 7 डेट है, 7 मार्च। हां जी, 7 मार्च 1992। बेटा जी, 7 जो अंक होता है, मैंने पहले कहा धोखे का अंक होता है, जॉब के लिए आप जानना चाहते हो, मार्च का आपका जन्म है, यानी कि मार्च के महीने में तकरीबन सूर्य जो होता है 7 तारीख को कुंभ राशि का होता है, और जब 7 तारीख के बाद फिर मीन राशि का आ जाता है, अप्रैल के महीने में मेष राशि का आ जाता है। कुंभ राशि का सूर्य, मकर राशि का सूर्य अच्छा नहीं होता, कुंभ राशि का सूर्य फिर भी थोड़ा सा अच्छा होता है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आसार हैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के, लेकिन आपको क्या करना है, जो इंसान गवर्नमेंट जॉब चाहता है सुबह की सैर करनी शुरू कर दीजिए। गवर्नमेंट जो जॉब दिलाता है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक सूर्य देवी है जो गवर्नमेंट जॉब दिलाता है और कोई नहीं। आप सूर्य देव को जब दर्शन नहीं करोगे, उसको माथा नहीं टेकोगे, सुबह उठ के सैर नहीं करोगे तो भूल जाइए गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको। हाँ, वो अलग बात है कि आपके सितारे बहुत अच्छे हों, आप सो रहे हों और लेटर आपके घर में आ जाए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, वो क्या होता है सूर्य मेष राशि में हो, वो क्या होता है जब सूर्य कभी सिंह राशि में आ जाए, वो क्या होता है सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी हो तब। अगर बेटा जी चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, सुबह की सैर करो, सुबह जल्दी उठो और सूर्य को जल दिया करो, अगर जल नहीं दे सकते तो खाली नमस्कार ही बुलाओ। तो सूर्य का एकमात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ मैं, गेहूं आपने लेना है कम से कम आधा किलो गेहूं या 5 किलो गेहूं किसी भी धार्मिक स्थान पे देके आइए, देखिए गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है, और पिता का आशीर्वाद साथ में लेते रहिए। प्रोफेसर साहब, ये आपने गेहूं का उपाय बताया लेकिन ये किस दिन करना चाहिए? ये संडे को करना चाहिए, संडे को 8:15 से पहले कभी भी, जब भी सूर्य का उपाय करना है तो संडे के दिन ही करना चाहिए। बहुत आसान मेरे उपाय होते हैं, ये तो मैं बताता ही रहता हूँ सबको। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि सुबह 8:15 बजे ही करना है, अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत? कोई वहम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अगर 10-15 मिनट हो चुके हैं और मेरे ज़्यादा हो गए, वहम नहीं करना, हो 15 मिनट ऊपर हो गए तो मेरा होगा नहीं अगले संडे, ऐसा जितना वहम करते जाओगे उतना ही आप पीछे चलते जाओगे, कभी भी वहम नहीं करना आपने। हिमांशु जी, आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर जो है मिल गया है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहते हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। हेलो मैम, एक चीज और पूछती थी, अगर मान लो मन ना टिके, जैसे कला क्लेश में जैसे होता है, कला क्लेश रहती है हिमांशु जी, कला क्लेश रहती है, घर में मन नहीं टिकता, तो उसके लिए क्या उपाय जानना चाहते हैं? बहुत आसान उपाय बेटा जी, हिमांशु जी मैं बता रहा हूँ, घर में कला क्लेश जब रहे तो घर की छत साफ कीजिए, और जब आप घर की शांति चाहते हो तो उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय मैं दे रहा हूँ,
घर की शांति के लिए आपने, जैसे कि मैंने पूरा अपना ऑफिस वाइट कर रखा है, वाइट ही कपड़े पहनता हूँ ज़्यादातर, मन की शांति के लिए वाइट कपड़े धारण कीजिए। अगर वाइट कपड़े नहीं धारण कर सकते, आपका काम कई दफ़ा बाइक पे होता है, कई दफ़ा घूमने फिरने का होता है, तो मस्तिष्क के ऊपर आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा सकते हो, मन की शांति आने शुरू हो जाएगी। हिमांशु जी एक बात और बताता हूँ, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं, लाइन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं, एक एक लाइन पे क्वेश्चन पूछिए ताकि सबकी बारी आ जाए। फोन फटाफट से काट दीजिए ताकि हमारे कम से कम 50 फोन पीछे लगे हुए हैं। बेटा जी, आप भी किसी का भला चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक महीने में आपसे रूबरू जरूर हुआ करूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका बात करने का। लाइन पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि सूर्य अच्छा हो तो ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन सूर्य जो है अगर अष्टम में आ जाए तो क्या जॉब मिलती है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, मैं आपको बताता हूँ, सूर्य दशम घर में हो तो जॉब मिल जाती है, अगर सूर्य अष्टम में आ जाए तो दशम का लाभ स्थान बन जाता है, वो भी जॉब दिला देता है। कई दफ़ा ऐसा देखा है कि हम प्रैक्टिकल करते हैं। शिफाली जी, मैंने आपको बताया होगा कि सूर्य देखिए इसका अष्टम में पड़ा है, लेकिन जॉब मिल गई है। जी, मिलती है, मिल जाती है जॉब, लेकिन उपाय थोड़े से करने पड़ते हैं, जॉब मिल जाती है। वही है ना प्रोफेसर, मिल तो जाती है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाती, वो अलग बात है। प्रमोशन क्योंकि वो शनि का कारक भाव होता है, जो कारक ग्रह होता है ना शनि, उसका होता है, इसलिए जब कभी प्रमोशन नहीं मिलती तो उसका मात्र एक छोटा सा उपाय है, मैं आपको सबको बताता रहता हूँ, अरे भाई सूर्यदेव को खुश कीजिए, पिता है, पिता के पाँव को हाथ लगाइए और अगली लाइन ले लीजिए, बहुत सी कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी मैम, मैं करणवीर बोल रहा हूँ। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर आपने। 8 फरवरी 1992। 8 फरवरी 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी। हाँ जी, क्या जानना चाहते है बेटा जी, मुझे ये बताइए आप। पंडित जी ऐसे, पंडित जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाने के चक्कर मेरा बहुत पैसा बर्बाद भी हो गया, मतलब कहीं भी काम नहीं बन रहा और हर तरफ अड़चने बढ़ रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मैं मतलब विदेश में जाने के लिए स्टडी के लिए अप्लाई करूँ या फिर वर्क वीजे के लिए अप्लाई करूँ? बेटा जी, मेरा देश के लिए योग्य है या नहीं? बेटा जी, 1992 का जन्म है आपका। हाँ जी, अभी तो आपने जो स्टडी के ऑफ करोगे तो स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये तो टाइम निकल चुका स्टडी का, रिफ्यूज़ल आ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा जी, स्टडी के लिए आप मत जाइए तो अच्छा है, अगर आप किसी और कारण के लिए पीआर भरते हो, लेकिन आपका जो कहते हैं ना, जो डेट बताई थी वो डेट क्या थी आपकी? 8 फरवरी 1992। शनि का जो है वो अंक है स्लो, शनिदेव जो देता है तो स्लो देता है, अगर कहते हैं वो छीनता है तो एकदम से छीनता है, शनिदेव की ये प्रकृति है, वो जब भी बेनिफिट देता है तो स्लो देता है, अगर छीनता है तो एकदम से छीन लेता है, ये शनिदेव करते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ आपके लिए, आपने कानों के पीछे केसर का तिलक लगाइए, इससे क्या होगा, जो हवाई यात्रा आपकी बन जाएगी। कानों के पीछे बेटा ये देखिए, दोनों कानों के पीछे केसर का तिलक लगाने से हवाई यात्रा बननी शुरू हो जाती है। एक मैं आपको पहले ये बता दूं, जो हवाई यात्रा का कारका होता है बेटा जी, वो होता है गुरु, हवाई यात्रा का कारका गुरु होता है। आपने क्या करना है, जो भी इंसान हवाई यात्रा करना चाहता है, पहले छोटा सा कोई भी आप टूर लगा सकते हो हवाई यात्रा का, जब भी आप कोई भी हवाई यात्रा करोगे आपके बड़े रास्ते खुल जाएंगे, इसलिए छोटी मोटी यात्रा, चाहे आप गोवा घूमने के लिए ही चले जाओ, क्योंकि छोटी सी हवाई यात्रा हो जाएगी तो बड़ा रास्ता भी खुल जाएगा। ये पहले नेचुरल उपाय मैं करवाता हूँ, नेचुरल उपाय कोई नहीं करता, बड़े बड़े पैसों के लोग उपाय दे देते हैं, फिर करते हैं हमारा काम नहीं होता। हमने जो उपाय होते हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आपको मान लीजिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे को भूख लगी है बहुत ज़्यादा प्रोफेसर, मेरे को भूख लगी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वो खाने वाली चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, कहीं जाकर मैंने खाना है वहाँ से अच्छा खाना मिलेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आप ऐसे ही जैसे अगर हवाई यात्रा करना चाहते हो, पहले हवाई यात्रा कीजिए ताकि आपके हवाई यात्रा के रास्ते खुल जाएं। जिसका गुरुदेव खराब होता है वो हवाई यात्रा नहीं कर पाता, और गुरुदेव को ठीक करने के लिए आपने क्या है, 900 ग्राम चने की दाल धार्मिक स्थान पे देनी है कम से कम 3-4 दफ़ा, जब भी दोगे आपकी हवाई यात्रा के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय है बेटा जी। हाँ जी,
गुरुवार दिन या वीरवार को सवा आठ से पहले पहले, थर्सडे को सुबह सवा आठ से पहले पहले। ओके बेटा, आप फोन काटिए, दूसरे की बारी आने वाली है बेटा जी। ओके ओके बेटा जी, ओके। प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि गुरु जो होता है वो हवाई यात्रा का कारक होता है, जिसने भी विदेश यात्रा करनी है वो क्या सभी के लिए ये उपाय हो सकता है? सभी के लिए ये उपाय होता है शिफाली जी, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा मुझे कि उसका गुरु कोई मार्केश ना हो, ये ना हो। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कई दफा इंसान कहता है मैंने बाहर जाना बाहर जाना बाहर जाना जी। मुझे ये बताइए शिफाली जी, अगर बाहर जाना तो मुझे तो बारहवां घर वो उसका जागृत करना पड़ेगा जी। अगर हम बारहवां घर जागृत करेंगे तो बारहवें घर से क्या आता है? हॉस्पिटल की यात्रा हो जाती है और खर्चा होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इंसान, अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, जैसे ही इंसान का पासवर्ड बनता है सबसे पहले पुलिस वाले घर में आते हैं इंक्वायरी लगने के लिए, क्योंकि बारहवां घर जागृत होता है तो वह ऐसा होना पड़ेगा, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बारहवां घर जागृत होगा, पुलिस वाले घर पे आएंगे और खर्चे खुलेंगे, आपका खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा और हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का चेकअप जब करते हैं, ठीक है ना, वो भी हम करेंगे, इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा। जब भी बारहवां घर पीड़ित होगा तो आपको ये सभी रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब भी किसी का बारहवां घर पीड़ित हो, ये ना हो कि जागृत मैं करवा दूँ वो बेचारा हॉस्पिटल पड़ जाए। मान लीजिए प्रोफेसर साहब, बारहवें घर में शनिदेव आ जाए तो हवाई यात्रा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बारहवें घर में शनिदेव आता है, लेकिन अचानक एक्सीडेंट और अचानक मृत्यु भी देता है बारहवें घर में शनिदेव, लेकिन खर्चे भी खुले करवाता है। हाँ जी बोलिए जी। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए सर। हाँ जी मैं रोहित बात कर रहा हूँ। रोहित जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। 13 जनवरी 1988। आपका क्वेश्चन क्या है? क्या जानना चाहते हैं बेटा जी? हाँ जी प्रणाम सर। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। ओम नमः शिवाय जी, जय शंकर। ओम नमः शिवाय। सर ऐसे है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ स्पाउस वीजा अप्लाई किया है, अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, ऑफर लेटर आ गई है, फॉरेन जाना है, बस ये बता दीजिए वीजा लग जाएगा? फरवरी इनटेक वीजा लग जाएगा। वाइफ के साथ लगा रहे हो आप? जी स्पाउस वीजा है, मेल एप्लीकेंट वाइफ। स्पाउस वीजा है जी? स्पाउस वीजा है। मुझे ये बताइए फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ दोहराइए। 13 जनवरी 1988। 4 का अंक है। और वाइफ का बताइए मुझे। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1990। 3 का अंक। बेटा जी चिंता मत कीजिए, वीजा लग गया। ओम नमः शिवाय। राहु का अंक और गुरु का अंक है, चिंता मत कीजिए, वीजा 100% लग जाएगा। लेकिन मात्र फिर भी आपने छोटे से उपाय करने, मैं 2 उपाय जरूर बताऊंगा आपकी वाइफ के लिए और आपके लिए। आपकी वाइफ के लिए एक उपाय देता हूँ बेटा जी मैं, 600 ग्राम चने की दाल धार्मिक स्थान पे देनी है। और आपके लिए एक उपाय देता हूँ जिससे आपका वीजा लग के आ जाए, आपने क्या करना है, 8 काली मिर्चें लेनी है, 8 काली मिर्चें, और चलते पानी में जल प्रवाहित करनी है शनिवार के दिन शाम को 5:30 और 7 के बीच में। ऐसे जब करोगे आपका शनिदेव जब भी कभी रुकावटें डालता है तो शनिदेव, क्योंकि अष्टम घर का जो कारका होता है शनिदेव होता है, अष्टम घर शनिदेव, कारका शनिदेव, 8 काली मिर्चें उतना ही फल देती है जितना 8 किलो हम या 800 किलो या 8 किलो उर्द की दाल चलते पानी में जल प्रवाहित करें। लेकिन आजकल चलते पानी के जल प्रवाहित मैं उपाय नहीं दे रहा, क्योंकि पानी को मैं शुद्ध रख रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा पानी जैसे मैं फौरन में जाके आया था इतना ही साफ हो जाए, इसलिए 8 काली मिर्चें से पानी खराब नहीं होता। 8 काली मिर्चें चलते पानी में जल प्रवाहित करोगे आपका उपाय भी हो जाएगा और साथ में हमारा जो कहते हैं जल भी वो भी दूषित नहीं होगा। और शाम के टाइम करना है। 600 ग्राम चने की दाल गुरुवार को देनी है मंदिर में। जी, हाँ जी, जी वो गुरुवार को 1:15 से पहले पहले। बेटा जी मेरे प्रोग्राम देखते रहिए ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे, मेरी नॉलेज अगर जो भी आप लेते जाओगे वो आपके लिए आगे आने वाले जो समय है उसके लिए बहुत बेहतरीन होगी और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी प्रोफेसर साहब, अभी विदेश जो जाने की लोगों में क्यूरियोसिटी है, लालसा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको शिफाली जी एक बात और बताता हूँ जी। विदेश में एक मेरे को फ़ोन आया था तकरीबन आज से 10 दिन पहले जी। उन्हें मेरे को बताया, मैंने कहा बेटा बता मुझे, तूने बहुत चाहा था मैं विदेश जाऊँ मैं विदेश जाऊँ मैं विदेश जाऊँ, वीज़ा लग गया, क्योंकि वो हमारे पास आया था, वीज़ा लग गया, बाहर चला गया। वो कहता प्रोफेसर साहब जो हम यहाँ पे करते, जितना पैसा हम मैं यहाँ पे लगा के आया हूँ, मेरा तकरीबन 15-20 लाख रुपया लगा जी। मैं 15-20 लाख रुपया लगा के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन कई दफ़ा तो मुझे काम भी नहीं मिलता, कई दफ़ा मुझे भूखा भी रहना पड़ता है, प्रोफेसर साहब मुझे काम दिलाइए। मैं कहा काम तो मैं दिला दूंगा, मुझे ये बता यहाँ ठीक था कि वहाँ ठीक है? कहता मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पंजाब ठीक था जी। और मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि उसने ये तो बोला कि मेरा पंजाब ठीक था।
ये बात बिल्कुल सही है। 15 से 20 लाख अगर हम लगाते हैं तो विदेश करते जाते हैं तो वहाँ जाके सेटल नहीं हो पाते बच्चे, कई दफ़ा बच्चे वापस आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने उस बच्चे को बोला अब तू चला गया, 15 से 20 लाख रुपया लगाया है, टेंशन मत ले, तेरे को पीआर में दिलाऊंगा, तू ये उपाय कर। इसलिए जब भी हम बाहर जाते हैं कोशिश कीजिए, अगर वहाँ पर ग्राउंड आपका नहीं सेफ तो मत जाइए, कोशिश कीजिए 15 से 20 लाख रुपया लगाते हो तो यहीं पर सेटल कीजिए। अगर आपने विदेश जाना है तो पीआर होकर वहाँ से जाइए ताकि आपको वहाँ भी दिक्कत ना आए और यहाँ भी दिक्कत ना आए। प्रोफेसर साहब बीच में कॉल आ रही है, हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ? 31/7/1971। 31/7/1973 जी। आपका क्वेश्चन क्या है जी? 71। ठीक है जी, 31/7/1971 जी। हाँ जी, 31/7। हाँ जी, अपना क्वेश्चन पूछिए सर। सर मेरा कोई भी कार्य नहीं होता लाइफ में, के नौकरी 97 में छूट गई थी, कोई भी कार्य नहीं होता आपका, केस चला हुआ है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी। क्या नाम क्या है आपका? राजेश कुमार सर। राजेश जी मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, जो 31 अंक बनता है ना वो गुरु और सूर्य से बनता है। हाँ जी। गुरु का अंक आगे है, सूर्य का अंक पीछे है। ऐसे बंदे दयावान होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। राहु का अंक बनता है, हर चीज़ में वो क्या चाहते हैं, हर चीज़ की खोज करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ऐसे बंदे। चैन नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता और सुकून नहीं मिलता कहीं पे भी आपको। ऐसे ही हो ना आप, चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से। हाँ मुझे पता है, मैं चिंता मत कीजिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। जो आपका 7 अंक 3-4 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा तो आ गया मेरे हिसाब से, तो आपने क्या करना है, जब ऐसे बंदे को धोखे भी बहुत मिलते हैं, जब कभी 2-3 दफ़ा आ जाए 7 अंक तो धोखे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अभी मैं अपनी कुंडली, आपका शनिदेव नहीं देखा कहाँ पे बैठा है, गुरुदेव नहीं बैठा कहाँ पे देखा, लेकिन मैं आपके बारे में बता रहा हूँ सिंपल सिंपल छोटे से उपाय, लेकिन उससे क्या है सुकून मिलना शुरू हो जाएगा आपको, आप कामयाब होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, जो शुक्र का अंक है, शुक्र का पर्वत है, ये पर्वत है शुक्र का, बहुत ध्यान से देखिए ये वाला पर्वत, इसके ऊपर आपने 24 लिखना है, 24। इससे क्या होगा? हाँ 24, 24 अंक या 66, क्योंकि 3 आपके पास पहले से, इसलिए 24 लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका 6 अंक पूरा हो जाएगा। एक तो बहुत बड़ा मैंने उपाय दे दिया ये आपको, और दूसरा उपाय, ये पेन खाली पेन से लिख लो, ब्लू रंग के पेन से, लेफ्ट हैंड से, जैसे कि लेफ्ट हैंड में यहाँ पे लिख सकते हो आप। इससे क्या होगा, आपका 6 अंक पूरा हो जाएगा, गोल्डन घड़ी बांध सकते हो, जैसे मैंने गोल्डन घड़ी बांध दी है, इससे भी 6 अंक पूरा होता है। 6 अंक होता है खुशियों का, 6 अंक होता है हमारी घर में जो चहचलाहट है, हमारी खुशियां हैं, हमारी इच्छा की जो अधूरी रह जाएगी गई है वो पूरी होने का। ऐसे आप अगर 6 अंक पूरा करते हो तो खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मात्र छोटा सा उपाय मैं जरूर दूंगा आपको, बहुत छोटे छोटे मेरे उपाय होते हैं। आपने आटा लेना है, चाहे 2 किलो चाहे 5 किलो, आटे की थैली शुक्रवार के दिन 8:15 से पहले पहले किसी भी लंगर स्थान में, किसी भी धार्मिक स्थान पे आप देके आ सकते हो जहाँ पे लंगर लगता हो। इससे क्या होगा, आपकी जो खुशियाँ हैं वो जो गुजर चुकी हैं, जो चली गई हैं, वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी आपका कहते 71 का जन्म है, आपके मान के चलिए 49 की एज हो चुकी है आपकी, 48 की तकरीबन, और कहते हैं ना जो 42 की जब एज थी तब सब कुछ आपने खोना शुरू कर दिया था, बनाया 36 से लेकर 42 साल तक आपने बनाया, और 42 साल के बाद आपका खोना शुरू हो गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो खोया है वो वापस आएगा। लेकिन आटे की थैली के साथ अगर आप चने की दाल, थोड़ी सी चने की दाल, आटे की थैली और चीनी और उड़द की दाल, ये 4 चीज़ें बनती हैं वैसे, लेकिन आप पहले एक चीज़ ही दीजिए ताकि आपको पता चले कि मेरे से बात हुई थी और छोटा सा उपाय बताया था, मैं कामयाब हो गया। ठीक है, चिंता हाँ बस, अब जब भी उपाय करना, ये उपाय जब भी करना दिल से करना, और ये मत करना किसी लालसा लेके मेरा ये काम पूरा हो जाए।
आप ये उपाय ऐसे करना कि मैंने भगवान लोगों का पेट भरना, जो गरीब लोग यहाँ पे आते हैं जिसके पास लंगर वही खाते हैं जिसके पास हमारे घर में अनाज नहीं होता, जो गरीबों के लिए ये लंगर बना होता है। एक बात मेरे मन में और आई, कभी भी जिंदगी में अगर लंगर कहीं भी खाना है आपने, कहीं भी धार्मिक स्थान पर, चाहे मैं भी हूँ, मुझे भी भूख लगती, मुझे कई दफ़ा तो ऐसा लगता है जो गुरुद्वारा मंदिर में दाल बनती मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ, तो मैं पता दाल खाने के लिए कभी कभी जाता हूँ, तो वहाँ कम से कम जितना आपने खाया है, मान लीजिए 5 रुपए का खाया है, तो मैं तो 5,000 तक दान करके आता हूँ। अगर कोई भी इंसान खाता है तो उसका कुछ ना कुछ दान जरूर करके आए। अगर लेकिन ये गरीबों के लिए बना, जिस गरीब के पेट में ये जाएगा आप जान नहीं पाओगे, आपका शुक्र ग्रह नाभि का कारका होता है, लेकिन ये नाभि की अग्नि को कोई जानता नहीं, ये बहुत बारीकी में हो जाएगा। आप बस खाली आटा दीजिए, फिर देखिए खुशियां कैसे आती हैं। शेफाली जी, आपको नहीं पता मैंने इसको शुक्र का क्यों बोला। जी जी, शुक्र का इसलिए बोला, राहु का जो होता है ना गुरु, वो शुक्र होता है। अगर वो शुक्र की आराधना या शुक्र का दान देना शुरू कर देंगे, राहु ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, जी। बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे, ऐसे ही आप उपाय अगर लेते रहेंगे और कामयाब होते रहोगे, मेरी यही कोशिश होगी, जो मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है सबको मैं ठीक कर सकूँ, कोशिश तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन आपके हाथ में है, क्या पता आपका नंबर कब आए। आज प्रोफेसर साहब ने आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालकर आपसे बात की, क्योंकि वो आपको जो है अपना परिवार मानते हैं। तो यही एक जरिया है, जो आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मैंने एक वादा भी किया था, मैंने कहा था कि इसमें जो जो मैंने धातुओं डाली है, पहले मैं आपको इसको धातुओं का थोड़ा सा वर्णन बता दूं, तब के आपको पता चले कि कौन सी धातु किसके लिए होती है। ये जो गोल्ड, शुद्ध गोल्ड प्लेटर मैंने किया है, ये है सूर्य की धातु। शुद्ध गोल्ड सूर्य का होता है, मिश्रण गोल्ड गुरु का होता है। ये आज तक नहीं पता, किताबों में तो लिखा है गोल्ड गुरु का होता है, लेकिन गोल्ड के बारे में बताया ही नहीं गया। ये शुद्ध गोल्ड सूर्य का बताया गया है, लेकिन ये पूरी धातु ब्रास की है, पीतल की। ये पीतल जो होता है ये गुरु की धातु मानी गई है। इसमें कुछ चीजें मैंने चांदी की डाल रखी हैं। चांदी जो होती है लक्ष्मी का कारका होता है। इसमें मैंने जो कील लगा रखी है वो कॉपर की लगा रखी है। कॉपर जो होता है मंगल का कारका होता है। वैसे मंगल सूर्य को भी कॉपर बोला जाता है, लेकिन भाई सूर्य की कॉपर धातु नहीं होती, सूर्य की शुद्ध धातु होती है 24 कैरेट सोना। लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर के मैंने बना रखे हैं, जो कील लगा रखी है, वो है मंगल की धातु। थोड़ा सा कांसे का मिश्रण किया गया है, लोहे का मिश्रण जो नीचे से, क्योंकि मैं पूरा ये चाहता था कि इसमें सभी ग्रहों की आशीर्वाद हो, सभी ग्रहों का, ये नहीं कि मैंने एक धातु से मैंने बना दिया और आपको वो चीज दे दी। इसकी पॉजिटिविटी मैं आपको साइंटिफिक रीजन से यहाँ पे बताऊंगा कि कितनी पॉजिटिविटी देती है, वो मैंने मशीनें मंगा रखी हैं, आपको पता चलेगा कि इसके में जो धातु है, जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, कितना इसके में इसमें पॉजिटिविटी है। इसको घर रखने से ही पॉजिटिविटी आती है। लक्ष्मी जी हमेशा आज तक आपने बैठे हुए रूप में देखे हैं, लेकिन छैया के रूप में बिल्कुल नहीं देखे। आज मैंने जो ये रूप बनाया है, लेकिन उठने को और बैठने को वक्त लगता है। जो ये प्रतिमा रखेंगे उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे आपके घर में ये वास हमेशा रहे। और जब कहते हैं ना दुख दरिद्र बीमारी, ये लक्ष्मी जी से ही दूर होते हैं। कहते हैं जिस पंजाबी दी, फिर कहावत मैं जरूर बोलूँगा लाहौर दी, क्योंकि मैं पीछे से लाहौर का हूँ, कहते हैं जिसकी झोली दाने उनके कमले भी सियाने, पुरानी कहावत है साड़ी। इस करके जो लक्ष्मी जी का जहां पे जिसके पास पैसा होगा उस पे पास कहां दुख, कहां दर्द, कहां रहेगी बीमारी, सब दूर हो जाएगा। यही मैंने 15 साल की खोज आपके सामने पेश की।
धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महत्व अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।